हेलो मॉम्स, वेलकम अगेन टू बी अ मॉम फैमिली। आज हम बनाएंगे ORS सॉल्यूशन, जो कि बहुत सारे ब्रांड जो हैं वो ORS को बनाते हैं बच्चों के लिए अगर उनको दस्त हो जाते हैं या उल्टी हो जाती है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए चीनी, शुगर यानी कि, उसके साथ हमें चाहिए सॉल्ट यानी कि नमक, और हमें चाहिए 1 लीटर पानी जो कि बॉईल किया हुआ, ठंडा करके मैंने इसको रखा है। आप कोशिश करें आरओ का पानी या फिल्टर पानी ही यूज़ करें। सबसे पहले एक बॉल ले लेंगे, इसमें हम डाल लेंगे 1 लीटर पानी। अब हम लेंगे चीनी, हमें ये स्पून यूज़ नहीं करना है, नहीं बड़े स्पून यूज़ करना है। इसके लिए हमें सिंपल एक छोटा स्पून चाहिए। चीनी एक स्पून में बहुत भर के आती है, इसकी जो ऊपर की लेयर है हम इसको निकाल देंगे हल्का सा स्लाइड करके। 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 चम्मच हमको चीनी लेनी है। अब हम ले लेंगे सॉल्ट यानी कि नमक, इसमें भी हमको ये स्पून यूज़ नहीं करना है, हमको सेम स्पून यूज़ करना है, हम 1/2 चम्मच। आप देखेंगे अगर हम 1 स्पून की बात करें तो इतना भी भर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर हमें 1/2 चम्मच चाहिए तो हमें बहुत इसकी लेयर एक्स्ट्रा है, हम उसको निकाल देंगे और 1/2 चम्मच हम जो है इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छे से हम घोल लेंगे, मिला लेंगे इसको चीनी और सॉल्ट को। सेम आप इलेक्ट्रॉल लेते हैं, उसका सॉल्यूशन का जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें भी यही होते हैं। अगर आपके बेबी को लूज़ मोशन हो गया, वॉमिट ज़्यादा हो रही है, उस केस में आपके पास घर पे ORS अवेलेबल नहीं है, रात का टाइम है, तो आप इंस्टेंटली मतलब 1 मिनट के अंदर आप अपने बच्चे को ORS का घोल बना के दे सकते हो, ताकि उसमें जो रिहाइड्रेशन मतलब जो हाइड्रेट बेबी नहीं हो पाते हैं, रिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो ऐसे केस में आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। आप इसका घोल बना के घर पे रख सकते हैं, आप ख़ुद भी यूज़ कर सकते हैं, अपने बच्चे को भी दे सकते हैं। ये देखिए अच्छे से ये घुल चुका है इसमें। अब चाहें तो आप इसको एक बॉटल में स्टोर करके आप अपने फ्रिज में रख लीजिए, और जब भी आपने बच्चे को दें तो इसको एक रूम टेम्परेचर पे ही दें। तो ये हमारा तैयार है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करना ना भूलें।